नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा जायसवाल और मेरे चैनल नेहा टिप्स एंड स्टोरीज पर आपका स्वागत है। ध्यान रखने योग्य कुछ जरूरी बातें और घरेलू उपाय। नंबर एक, रोजाना रात को सोने से पहले तकिए पर गुलाब का इत्र या कोई भी इत्र छिड़क दे, इससे आपको नींद अच्छी आएगी। नंबर दो, खाना खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ चबाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। नंबर तीन, नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाकर मालिश करने से शरीर की खारिश दूर हो जाती है। नंबर चार, जामुन का इस्तेमाल दांतों में होने वाली खराबी और मुंह से आने वाली बदबू को दूर करता है। नंबर पाँच, नाखूनों पर नारियल के तेल की मालिश करने से आंखों की रोशनी तेज होती है। नंबर छः, अगर काम करते समय कोई हिस्सा जल जाए तो उस पर तुरंत नारियल का तेल और मेहंदी लगा दे, इससे जल्द ही आराम मिलता है। नंबर सात, गीले बालों में कंघी करने से परहेज करें, इससे बाल कमजोर होते हैं। नंबर आठ, दूध में मखाने मिलाकर खाने से हड्डियां मजबूत रहेंगी। नंबर नौ, कोई भी सब्जी बनाते समय उसमें थोड़ी सी भुनी हुई काली मिर्च जरूर डालें, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है और पेट को भी स्वस्थ रखती है। नंबर दस, अगर बुखार बार बार चढ़ जाता है तो तीन या पांच दाने मुनक्का के तवे पर सेक कर उसके बीजों को निकाल कर खाए। नंबर ग्यारह, सुबह खाली पेट दही खाने से दिमाग तेज होता है और दिमाग को ठंडक मिलती है। नंबर बारह, चेहरे की झुर्रियां और झाइयों को दूर करने के लिए ताजा एलोवेरा के रस को अपने चेहरे पर लगाएं और थोड़ी देर बाद चेहरे को धो लें। नंबर तेरह, जिन लोगों को खाना खाने के बाद खट्टी डकारे आती हो और बदहजमी हो जाती हो और सीने में जलन रहती हो, तो प्याज को काट कर उसके ऊपर नींबू निचोड़कर दोपहर के खाने के साथ रोजाना खाएं, इससे आपका हाजमा ठीक रहेगा। नंबर चौदह, रोजाना पुदीने का सेवन करने से पेट को ठंडक मिलती है और पेट ठीक रहता है। नंबर पंद्रह, कद्दू को काट कर आँखों पर लगाने से आँखों की गर्मी दूर होती है और आँखों को ठंडक मिलती है। नंबर 16, सर्दियों में सिर को गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए, इससे सिर में खुश्की होती है। नंबर 17, अगर गले में खुश्की हो जाए तो अदरक का रस और शहद मिलाकर चाट लें। नंबर 18, अगर आपकी टांगों या शरीर में दर्द रहता हो तो हल्के गुनगुने पानी से नहाएं, इससे हड्डियों में आराम मिलता है। नंबर 19, गाय का दूध भैंस के दूध से हल्का होता है और यह जल्दी हजम हो जाता है और गाय का दूध पीने से दिमाग ताकतवर बनता है। नंबर 20, काला नमक और अजवाइन का सेवन पेट को साफ करता है और गैस की दिक्कत को दूर करता है। नंबर 21, अगर चेहरे पर दाने निकलते हैं तो नीम के ताजे पत्तों को पीसकर दानों पर लगाएं, इससे आराम मिलेगा। नंबर 22, अंगूर का जूस पीने से ल्यूकोरिया की दिक्कत में आराम मिलता है। नंबर 23, सुबह खाली पेट पानी में थोड़ा सा पुदीना डालकर पीने से चेहरे की झाइयां और दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। नंबर 24, रात को टाइट कपड़े पहनकर ना सोएं, रात को सादा और ढीले कपड़े पहने। टाइट कपड़े पहनकर सोने से कब्ज और गैस की समस्या हो सकती है। नंबर 25, अगर हमेशा के लिए शुगर से बचना है तो कोल्ड ड्रिंक का सेवन कम करें। नंबर 26, सौंफ वाला दूध पीने से चेहरे का रंग साफ होता है। नंबर 27, जिन लोगों को कब्ज की दिक्कत हो वो सूखी रोटी खाने से बचें और दाल का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, खासकर हरी मूंग की छिलका वाली दाल का ज्यादा सेवन करें। नंबर 28, जिन लोगों को एलर्जी की दिक्कत रहती हो उन्हें लस्सी का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे एलर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 29, रोजाना नहाने से शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर से कई रोग दूर होते हैं। नंबर 30, सर पर देसी घी की मालिश करने से सर का दर्द दूर होता है और दिमाग ताकतवर बनता है। नंबर 31, रात को सोने से पहले हरड़ का मुरब्बा खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। नंबर 32, घी में थोड़ा सा अजवाइन डालकर गर्म करने से घी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घट जाती है। नंबर 33, यदि आपको पसीना बहुत आता है तथा उसकी दुर्गंध से आप परेशान हैं
तो सुबह शाम 3 ग्राम आंवले का पाउडर पानी के साथ अथवा 20 मिलीलीटर आंवला का रस सेवन करें। इससे गर्मी तथा पसीने की समस्या से आराम मिलेगा तथा एसिडिटी की भी समस्या से निजात मिलेगी। नंबर 34, सुबह खाली पेट भीगे हुए चने खाने से वजन तेजी से बढ़ती है। नंबर 35, अगर कहीं चोट लग जाए और खून बहने लगे तो उस पर बर्फ के टुकड़े मले, इससे खून बहना बंद हो जाएगा। नंबर 36, जीरे का पानी बालों में इस्तेमाल करने से बालों का टूटना और झड़ना तो रुकता ही है, साथ ही डैंड्रफ से काफी हद तक छुटकारा मिल जाता है। साथ ही जीरे का पानी आपके बालों को सिल्की और शाइनी बनाने में आपकी मदद करता है। नंबर 37, अगर हाथों पर स्याही का दाग लग जाए तो नींबू का रस हाथों पर रगड़ने से दाग दूर हो जाते हैं। नंबर 38, दिल को स्वस्थ रखने के लिए हरी सब्जियां और ताजे फलों का सेवन जरूर करें। नंबर 39, गुर्दे की सफाई के लिए तरबूज के रस में थोड़ा सा धनिया का रस मिलाकर पिएं। नंबर 40, अगर उल्टी और मिचली आती हो तो आधे नींबू का रस, थोड़ा सा पुदीना और चुटकी भर काला नमक मिलाकर पिएं। इससे थोड़ी ही देर में आराम मिल जाएगा। नंबर 41, अक्सर जब आप कुकर में आलू डालते हैं तो आलू उबालने के बाद कुकर काले हो जाते हैं और फिर आप उसे कितना भी रगड़कर साफ करें तो एक बार में साफ नहीं होता है। इसके लिए आप आलू उबालते समय उसमें थोड़ा सा नमक और आधा नींबू का टुकड़ा डालकर सीटी लगाएं। इससे कुकर भी काला नहीं पड़ेगा और आलू का छिलका भी आसानी से निकल जाएगा। नंबर 42, सब्जियों पर चिपकी गंदगी और बैक्टीरिया साफ करने में फिटकरी के पानी का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 43, अक्सर कई लोग सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें दही डाल देते हैं, लेकिन ध्यान रखें, जब आप दही मिला रहे हैं तो दही को सब्जी में मिलाकर पहले उबाल लें, उसके बाद सब्जी में नमक डालकर मिलाएं, क्योंकि पहले सब्जी में नमक डालने से दही फट जाती है। नंबर 44, लटकी और झुर्रियों वाली स्किन के लिए अनार का सेवन करें। अनार झुर्रियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 45, छालों पर हरी धनिया का रस लगाने से छाले दूर हो जाते हैं। नंबर 46, अगर आधे सिर की दिक्कत हो तो जूस का सेवन ज्यादा करें। नंबर 47, चेहरे से मेकअप को हटाने के लिए कच्चे दूध का इस्तेमाल करें। नंबर 48, अगर आपको नींद ना आने की दिक्कत हो तो हल्के गुनगुने दूध को आंखों पर मले, इससे नींद आ जाएगी। नंबर 49, सुबह खाली पेट एक लहसुन की कली पानी के साथ खाने से पेट की गैस दूर होती है। नंबर 50, सादा गेहूं के आटे की रोटी की जगह उसमें थोड़ा सा बेसन मिलाकर उसकी रोटी बनाकर खाएं, इससे पेट मजबूत होता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।